का महिला शूट लगे बहुत बेहतर शुरुआत यहां पर वाईएससी गोड्डा का। एक में एक वाई एस गोड्डा के स्ट्राइकर ने अच्छा शुरुआत किया है। फौजी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से पहला स्ट्राइकर तैयार स्ट्राइक लेने के लिए। और चकमा देने में सफल रहे मुजामिल को एक एक के बराबरी पर। कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि और ये भाई बहुत प्रॉब्लम दे रहा है भाई जे ए 17 भी 0661 जिस किसी ऑडियंस का भी है जे एच सत्रह भी 0661 ये गाड़ी जिसका भी है इस गाड़ी को बगल कर लीजिए। नो पार्किंग एरिया में खड़ी है, गैरेज में लगा दीजिए मैं तो कहूंगा, और दिन भर मैच का मजा लेते रहिए। गाड़ी अपाची गाड़ी है, कलर क्या है गाड़ी का? कलर लगता है अभी तक हम लोग पता नहीं किए हैं, जिस जो भी कलर का हो आप लोग गाड़ी को बगल कीजिए, जिसका भी गाड़ी है बगल कर लीजिए गाड़ी को अपना। ग्रे कलर का अपाची गाड़ी है, अपाची गाड़ी को ग्रे कलर का जिसका भी है J17B0661 ये गाड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। वाईएससी गोड्डा 2 में 2
फौजी स्पोर्टिंग क्लब जमा टीम दो में एक दो एक की बढ़त वाईएससी गोड्डा के पास। तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है फौजी स्पोर्टिंग के लिए, अभी भी समय है, बहुत सारा समय है अभी। तीन खिलाड़ियों ने गोल किया है वाईएससी गोड्डा की तरफ से, अच्छे अच्छे स्ट्राइकर दोनों ही तरफ से, और अब स्ट्राइक लेने के लिए जा रहे हैं फौजी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से अजय बास्के। इससे पहले यहां पर बहुत ही अच्छा शॉट लेकर के उपेंद्र मुर्मू अपनी टीम की तरफ से लगातार बरकरार रखा है गोलों का सिलसिला को। तीन खिलाड़ियों ने स्ट्राइक लिया वाईएससी गोड्डा की तरफ से, तीनों ने गोल किया, और अभी अजय बास्के गए हैं। दोनों टीम्स में एक यूनिक चीज और एक समानता दिख रही है कि गोलकीपर को चेंज नहीं किया है। बहुत जगवता अच्छा लगाते हुए लेकिन कोई फायदा नहीं। अजय बास्के का गोल तीन में दो, तीन खिलाड़ियों ने स्ट्राइक लिया है। कीपर को बदल लिया है फौजी स्पोर्टिंग क्लब ने, और अच्छा किया है कीपर को। अगर आप बदल लेते हैं, अगर कीपर से उतना ज्यादा आप उम्मीद नहीं करते हैं, तो कीपर को बदलना भी कभी कभी सही साबित होता है, और यहां पर कितना सही साबित होगा फौजी स्पोर्टिंग क्लब के लिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। विपिन सोरेन गए हैं पर स्ट्राइक लेने के लिए चौथे नंबर में, एक भी स्ट्राइकर ने गलती नहीं किया, ये अच्छी बात है वाईएससी गोड्डा के लिए, अच्छा मैसेज है अपने टीम के लिए। उसके टीम मैनेजर सुनील मुर्मू पूरी तरह से खुश होंगे अपने टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन से। लक ये नहीं, यहाँ पर बैड लक है, और बराबरी करने का सुनहरा अवसर मिलता हुआ फौजी स्पोर्टिंग क्लब जवाई टीम की तरफ से, उसके टीम के खेमे से। अब जो भी जाएंगे वो अगर गोल करते हैं तो चार में तीन तीन की बराबरी। पर बखबी हम सभी जानते हैं कि ये एक गोल ज्यादा नहीं होता है किसी भी तरफ से। और चौथे नंबर में जो स्ट्राइक और गोल, चार में तीन तीन की बराबरी, बहुत बड़ी राहत फौजी स्पोर्टिंग क्लब जमाई टीम को। और जो बढ़त था वाईएससी गोड्डा के पास, ये बढ़त बराबर हो गया है।
अंतिम शूटर गए हैं और गोल, बहुत अच्छा स्ट्राइक यहां पर संदीप मरांडी का। पांच में चार वाईएससी गोड्डा और अब जो भी जाएंगे जवान इस टीम की तरफ से स्ट्राइक लेने के लिए, उसको हर हाल में गोल करना होगा, तभी यहां पर पांच में चार चार की बराबरी यहां पर किया जा सकता है। जीत लिया है और क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर लिया है।